Kingsman, subiehul update kar rahe hain Bollywood crazy. Tana ji fandom machari hai din. Monday ka din hai aur dekha jaye Monday ke din ko jo response milta hai usse doguna response is film ko mil raha hai. And that is a clear message to the people, to everyone, to the critics, to all haters, trollers. कि ये पिक्चर फाड़ू है, बॉस फाड़ू है, इसे पब्लिक बहुत पसंद कर रही है और यहाँ पर कुछ ऊंची नीची चीज छोड़ी नहीं है मेकर्स ने कि इस फिल्म को लेकर कोई उंगली उठाए. आपको सच बताओ ये फिल्म ना करीबन 3 घंटे से बड़ी फिल्म है, सीरियसली बता रहा हूँ. मेकर्स ने काफी हद तक सीन्स काटे इस फिल्म के ताकि ऑडियंस को ऐसा ना लगे कि फिल्म थोड़ी बड़ी है या बोर है या ऐसा कुछ. अगर आप ध्यान से देखिए इस फिल्म को, जिन्होंने देखा होगा या नहीं देखा होगा, सैफ अली खान की हिस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा बताया नहीं है. राइट, एज यू सी, ये जरूर बताया गया कि उसकी मम्मी के बारे में थोड़ा सा करेक्टर लेस है, इस तरह से कुछ हल्का बताया गया. उसके बाद ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है. उसकी हिस्ट्री पूरी पूरी हटाई गई फिल्म से. फिल्म में कई सारे ऐसे सीन्स हटाए गए हैं तो आपको जो फिल्म जो डायरेक्टर पेश कर रहे हैं आपके सामने 2 घंटा 15 मिनट की, वो एकदम स्लैश वर्जन पेश कर रहे हैं, यानी कि एकदम कट छाट की एकदम बढ़िया तरह से, ताकि आपको बेस्ट टू बेस्ट चीजें देखने को मिले. और वहीं जहां तक बात करें इस फिल्म में सबसे अहम रोल अगर किसी ने निभाया है तो VFX ने. जी हाँ दोस्तों, पोस्ट प्रोडक्शन में अच्छा खासा 6 से 8 महीने कम से कम गया है, बिकॉज ऑल दो सीन्स दैट हैज बीन फिल्म इन द मूवी, स्पेशली जो सैफ अली खान का एक सीन है जहां पे वो पानी में से नागिन तोप को लेकर जाते हैं, वो पूरा VFX से बना हुआ है. ऐसे कई सारे पहाड़ वगैरह जो जो चीजें दिखाई वो सब VFX से बनाई हुई गई है, यानी कि VFX में बहुत मेहनत की गई, बहुत ज्यादा दोस्तों. और अगर VFX का कुछ अवार्ड अगर दिया गया नेक्स्ट ईयर, आई मीन इसी साल या जब भी इस फिल्म को, तो इस फिल्म को ज्यादा चांसेस मिलेगा. एनीवेज बात करते हैं ताजी के बारे में. 3 दिन में 61.75 करोड़ कमा के इसने जता दिया कि ये लंबी उसके रेस का घोड़ा है. मैंने फिल्म देख के यही कहा था कि मैं चाहता हूं कि 200 करोड़ के नीचे ये फिल्म बिल्कुल ना जाए. अब बात करते हैं फिल्म के 4 दिन की ऑडियंस ऑक्यूपेंसी के बारे में. मॉर्निंग शो की ऑक्यूपेंसी 28 से 30% है, आफ्टरनून शोज की ऑक्यूपेंसी 35 से 37% है, इवनिंग शोज की ऑक्यूपेंसी 42 से 44% है, नाइट शोज की ऑक्यूपेंसी अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन वो भी मैं आपको बता रहा हूं वो भी इवन 50% के आसपास जा सकती है. यानी कि इन टोटलिटी द एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ द डे विल बी अराउंड 40 to 41%. उसमें से खास करके महाराष्ट्र की बात करें तो इज ऑन फायर. आई मीन पागलों की तरह लोग फिल्म को देख रहे हैं, स्पेशली इवनिंग नाइट शोज में धमाल है. और अगर कलेक्शन बहुत ज्यादा है तो आप शॉक मत होइएगा, क्योंकि फिलहाल कलेक्शन 12 से 13 करोड़ तक के बीच में नजर आ रहे हैं. 12 से 13 करोड़, यानी कि आपको साफ साफ कह देना चाह रहा हूं कि ये फिल्म का कलेक्शन आज का मिलाकर होने वाला है 73 से 74 करोड़. एंड दैट इटसेल्फ इट्स एन आउटस्टैंडिंग कलेक्शन. फिल्म का बजट करीबन 150 करोड़, तो मेकर्स थिंकिंग मेकर्स की भाई जल्द से जल्दी ये एटलीस्ट वो कलेक्शंस कवर करे. लेकिन हाँ, ये बात जरूर माननी पड़ेगी कि ताजी फिल्म को जो जो आई थिंक क्या बोलते हैं, जो प्यार मिलना चाहिए था वो प्यार पब्लिक से मिला है. लेकिन हाँ, एप्रिशिएशन जो मीडिया में मिलनी चाहिए, स्पेशली जो बॉलीवुड में मिलनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा मिल नहीं रही. क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो फिल्म का बजट 150 करोड़ है और बड़े से बड़ी फिल्में 150 करोड़ में आजकल नहीं बनती है. सो मीडिया शुड अप्रिशिएट मोर, और क्रिटिक्स या बाकी लोग खुल के जरा सामने आए कि एक अच्छी फिल्म अच्छा कमाई करे तो उसकी तारीफ कुछ तो करे यार, वरना बाकी फालतू फिल्म पे आप बहुत सारी चीजें कहते हैं. सो यू नीड टू टॉक अबाउट सच गुड फिल्म्स ताकि लोग इस फिल्म को देखें. और मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर मेरा वीडियो महाराष्ट्र सरकार तक जाता है या एक रोस इंडिया कोई भी देखता है, कोई भी बड़ा लीडर देखता है, जरूर इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दीजिए दोस्तों. टैक्स फ्री करना बहुत जरूरी इस फिल्म को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग माढा इतिहास को देख सके. म्हणजे एवढा चांगली मूवी बनवला आहे म्हणजे तानाजी मालुसरे वर, आणि हे मूवी सर्वांना पाहायला गरजेचं आहे. आणि मी जे काय नेते वगैरे जे काय बघत आहे त्यांना हेच विनंती करणार की पटकन पटकन या मूवीला टॅक्स फ्री करा महाराष्ट्रामध्ये, आणि अजून जे काय स्टेट्स आहे तिकडे टॅक्स फ्री करा, कारण हे खूप चांगली मूवी आहे आणि सर्वांना पाहायला गरजेचं आहे. आय होप व्हिडिओ आपको अच्छा लगा, व्हिडिओ अच्छा लगा तो चॅनल सबस्क्राईब करा ना भूलेगा. बाय बाय.